بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم آج بتاريخ 10/5/2020 رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے جڑے ہوئے سلسلے کی ایک اہم کڑی زکوٰۃ، جو کہ ایک اسلامی اہم فریضہ ہے، اس تعلق سے کچھ اہم گزارشات ہیں۔ پچھلے درس میں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ دینے والا شخص اس پر زکوٰۃ کی فرضیت کے شروط کیا ہیں ذکر کیا گیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ان شروط سے متعلق گفتگو ہوگی جو مال کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں، یہ اوصاف مال کے اندر پائی جائیں تو اس مال میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کل کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ یہ کل پانچ شروط ہیں، یہ کل پانچ شروط، الشروط المتعلقہ بالمال، مال سے متعلق جو شروط ہیں یہ کل پانچ ہیں۔ نمبر ایک، الملک التام للمال، مال کی ملکیت مکمل ہو، آدھی ادھوری نہ ہو۔ نمبر دو، نماء المال، مال کا بڑھنا، یعنی مال کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ نمبر تین، بلوغ المال نصابہ، مال نصاب تک پہنچا، اگر نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر چار، حولان الحولی علی المال، مال پر ایک سال کا عرصہ بیت گیا ہو۔ نمبر پانچ، ان یکون فاضلا عن حوائجہ الاصلیہ، کہ اس کی ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان سے زیادہ ہو، یہ حصہ بنیادی ضروریات سے کے علاوہ ہو۔ بنیادی ضروریات کے علاوہ اگر مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے ورنہ زکوٰۃ نہیں۔ یہ کل پانچ وہ صفات ہیں جو مال کے اندر پائی جانی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے، جو کہ ساری چیزوں کا مالک، مالک حقیقی اس کائنات کا اور کائنات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو خلافت عطا فرمائی، اسے اللہ رب العالمین نے نائب بنایا، اس مال کے حوالے سے جو زمین میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، وہ امین ہے اللہ رب العالمین کی اس عظیم امانت پر، امین ہے وہ شخص، وہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امانت کو، جو مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اسے سونپی ہے، وہ اس امانت کو شریعت اسلامیہ کے ضوابط کی روشنی میں
उसमें तसर्रुफ़ का इख्तियार करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा आतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, और तुम उन्हें दो उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और शरीयत इस्लामिया के ज़वाबित तुम्हारे सामने ज़िक्र कर दिए गए, इन ज़वाबित की रोशनी में माल तुम दो उनको जिन्हें शरीयत कहती है उतना जितना शरीयत ने बयान किया है, इसकी पाबंदी तुम करो। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसमें से खर्च करो। व अन्फिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अमीन बनाया है, आपको खलीफा बनाया है, नायब बनाया है, जिन चीज़ों पर उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करो। यहाँ जो बतौर शर्त के ज़िक्र किया गया अल मिल्कु ताम लिल माल, आदमी पहला शर्त माल से मुतालिक, ये माल जो हमारे हाथों में है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ माल है। अब सवाल ये है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को ये माल अता फरमाया और उसे खर्च करने का हुक्म दिया, खर्च करने का हुक्म दिया, लेकिन कौन सा माल वो खर्च करे, कौन सा माल खर्च करे? पहली शर्त वो माल जिस पर मुकम्मल, जिसका वो मुकम्मल मालिक है, जो उसके अपने हाथों में है, वो माल जो उसके अपने अंडर में है, उसके अपने हाथ के नीचे है, उस माल में से खर्च करे। उस माल में किसी और की शिरकत नहीं है, उस माल में किसी भी इंसान का कोई हक उस माल से मुतालिक नहीं है, इस माल से किसी का कोई हक लगा हुआ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर उसी के हाथ में है, उसी की मिल्कियत में है, उसके इख्तियार में है और उसके असरात और फवाइद उस माल से मुतालिक ख़ुद उसके ऊपर आते हैं, इसको कहते हैं मुकम्मल मिल्कियत। मुकम्मल मिल्कियत यानी उसके अपने हाथ में हो और उस माल से मुतालिक किसी और का हक जुड़ा हुआ ना हो, किसी और का उस माल से कोई हक लगा हुआ नहीं है, तो वो मुकम्मल मालिक है। अगर किसी और का भी हक उससे जुड़ा हुआ है तो आधा अधूरा मालिक है, मुकम्मल मालिक नहीं है। ये बतौर शर्त के क्यों ज़िक्र किया गया कि वो मुकम्मल मालिक हो? क्योंकि जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल की निस्बत बंदों की तरफ की है, माल को मंसूब किया है उन लोगों से जिनके हाथ में माल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत माल की उन लोगों के साथ की है जिनके हाथ में वो माल है, चुनाचे फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदाकतन। तो माल की निस्बत लोगों के साथ जोड़ी कि उनके माल में से ले लो, उनके माल में से ले लो। और इसी तरीके से वल्लदीन फी अमवालिहिम हक मालूम, उनके माल में मालूम हक है। ये जो निस्बत है, माल की निस्बत लोगों से, ये किस तरह की निस्बत है, ये किस तरह का ताल्लुक़ है जो यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है? ये मिल्कियत का है, ये जो निस्बत है मिल्कियत की निस्बत है।
ये जो इजाफत है माल की, इजाफत माल की निस्बत लोगों की तरफ, ये मिल्कियत की निस्बत है, मिल्कियत का की इजाफत है। तो लोग अपने मातहत अपने अंडर के माल में आज़ादी के साथ जहाँ चाहते हैं वहाँ उसमें तसर्रुफ़ अपने इख्तियार से करते हैं और उस माल को औरों से जुदा कर लेते हैं क्योंकि उनका अपना माल है। और इसलिए भी ये शर्त रखी गई, एक तो ये कि निस्बत उनकी तरफ की गई माल की और ये निस्बत मिल्कियत का है, इसलिए मिल्कियत की शर्त यहाँ रखी गई कि वो मालिक हो। दूसरे ये कि ज़कात देने का मतलब क्या है, ज़कात देने का मतलब ये है कि माल का कुछ हिस्सा आप अपनी मिल्कियत से निकाल लें और उस हिस्से का मालिक किसी और को बना दें, ये ज़कात का मतलब होता है। ज़कात का मतलब क्या है कि आपके पास जो माल है उस माल में से कुछ हिस्सा आप अपनी मिल्कियत से निकाल कर उस हिस्से का मालिक किसी और को बना दें, और किसी और को मालिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद पहले मालिक हो। किसी और को मालिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान पहले ख़ुद उसका मालिक हो, फिर दूसरे पर, दूसरे की तरफ उसे मुंतकिल करे और उसको उसका मालिक बनाए। अगर ये शर्त समझ में आ जाए कि इंसान की मिल्कियत मुकम्मल हो माल पर, और अगर मिल्कियत मुकम्मल नहीं है किसी माल पर बल्कि उसके साथ किसी और का भी हक जुड़ा हुआ है, अगर ये बात बखूबी ज़हन नशीन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों के जिन पर हमारी मिल्कियत मुकम्मल नहीं, बतौर मिसाल कि जिसका कोई मुतायन मालिक ना हो बल्कि उसकी मिल्कियत में कई एक शरीक हों, जैसे कि हुकूमतों के पास जो माल होते हैं हुकूमत के अंडर में जो माल होता है उसका मालिक कौन है, हुकूमत के अंडर में जो माल है उसका मालिक कौन, आप गौर करेंगे तो ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का मालिक कोई एक इंसान नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग जो उस हुकूमत के अंडर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई हक उस माल से जुड़ा होता है। जैसे ज़कात का माल हुकूमत ने अपने पास जमा किया बैतुल माल के अंदर, या कुछ हुकूमतें टैक्स भी वसूल करती हैं और वो भी उनके पास जमा होता है। तो सवाल ये है कि ये जो माल हुकूमत के पास जमा हुआ इस माल का मालिक कौन है। ज़कात अगर है तो मारूफ़ है कि वो 8 अकसाम पे तकसीम होने हैं, तो उसका मालिक कौन, हुकूमत के अंडर में है, क्या हुकूमत मालिक है, नहीं, कई एक मालिकान है उसके। तो जब तक ये हुकूमत के हाथ में है क्या हुकूमत उसकी ज़कात निकालेगी, नहीं, क्योंकि हुकूमत की मिल्कियत मुकम्मल ही नहीं है कि उस पर ज़कात निकाले, आधी अधूरी मिल्कियत है उसकी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माल के अंदर हक जिक्र किया है मिस्कीनों का, यतीमों का, फ़कीरों का, बहुत सारे और लोगों का, जैसा कि सूरह तौबा में आगे जिक्र होगा, कई लोगों का हक उसमें अल्लाह ने जिक्र किया है, तो उसके साथ हक जुड़ा हुआ है। ऐसे ही टैक्स का माल हुकूमत के पास जमा है और ये माल उम्मत पर, कौम पर, लोगों पर सर्फ होना है, कौन है उसका ज़िम्मेदार, कौन है उसका मालिक, कोई एक शख्स मालिक नहीं बल्कि उस हुकूमत के ज़ेरे साया जीने वाले
सारे ही अफराद, पूरी ही आवाम उसकी मालिक है। हर एक के मसलहत के लिए उस पैसे को इकट्ठा किया गया है। मसालेह आम्मा जिसको कहते हैं, मसालेह आम्मा की गरज से हुकूमत ने पैसे जमा किए टैक्स के नाम पर। तो किसकी मसलहत? उस हुकूमत के ज़ेरे साया जीने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले, ज़िंदगी बसर करने वाले जो अफराद हैं, ये सारे ही अफराद का उसके अंदर हक है। तो क्या किसी एक की मिल्कियत उस पर मुकम्मल है? नहीं, फिर उसमें ज़कात नहीं होगी। इसी तरीके से नंबर दो, ये तो हुकूमत के अंडर जो माल है उसके ताल्लुक से कि क्या उसमें ज़कात होगी कि नहीं, बैतुल माल वगैरह। नंबर दो, बहुत सारे अवकाफ होते हैं लोगों के हाथ में। अवकाफ, किसी ने मस्जिद वक्फ कर दिया या मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ कर दिया या उसके लिए कोई और चीज़ वक्फ कर दिया, किसी ने मदरसा वक्फ कर दिया, किसी ने यतीमों के लिए कुछ वक्फ कर दिया, किसी ने हुज्जाज के लिए कुछ वक्फ कर दिया वगैरह। किसी भी खैर के काम के लिए किसी चीज़ को वक्फ कर दिया जाना, किसी ने मोहताज और फकरा और मसाकीन के लिए कुछ चीज़ें वक्फ कर दी कि इस वस्फ के साथ जो लोग भी मुत्तसिफ हैं इसके ज़रिए से जो चीज़ें आ रही हैं उन्हीं पर ख़र्च किया जाए। किसी ने मुजाहिदीन के लिए कुछ वक्फ कर दिया, जिहाद करने वाले जो लोग हैं उनके लिए। किसी ने किसी लाइब्रेरी के लिए कुछ वक्फ कर दिया वगैरह। अवकाफ, मुसलमान बहुत सारा अपना माल वक्फ करते हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ किसे कहते हैं? कि जो चीज़ दी जा रही है फला मद के लिए, असल उसका बाकी रखा जाए और उस असल के ज़रिए से जो नफ़ा और फ़ायदा है इन सिफात के हामिलीन जो लोग हैं उससे फ़ायदा उठाएं। फ़करा के लिए अगर ख़ास किया गया कि ये ज़मीन, ये प्लाट ख़ास है फ़करा के लिए, अब ये ज़मीन वक्फ हो गई, अब उसको बेचा नहीं जा सकता, हदीये में नहीं दिया जा सकता वगैरह वगैरह, उसकी वरासत नहीं हो सकती, इस ज़मीन के ज़रिए से चाहे आप किराए पर दें, चाहे किसी और काम में जैसे खेती बाड़ी के काम हो उस पर लगा लें, उसके ज़रिए से जो नफ़ा और फ़ायदा निकल रहा हो तो उस पैसे को या उस रकम को जो उस ज़मीन के ज़रिए से आ रहा है जिस मसले के लिए वक्फ किया गया है सिर्फ उसके अंदर उसको खर्च किया जा सकता है। सवाल यह है कि अगर लाख रुपए जमा हो गए हर मौसम में, तो लाख रुपए या चंद लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसके ऊपर हर मौसम में ये चीज़ जमा होती रही और साल गुजरता रहा, तो उसकी ज़कात देनी है कि नहीं देनी है? नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है। मालिक है आधा अधूरा, जो उसकी निगरानी करने वाला है, देख रेख करने वाला है, मालिक है, मालिक के दर्जे में है, लेकिन मुकम्मल मालिक नहीं है। तो मिल्कियत तामा हासिल नहीं है कि जिससे वो तसर्रुफ करने का पूरा हक अपने अंदर रखता हो। इसी तरह से नंबर तीन, हराम माल। हराम माल, हराम माल की दो शक्ल है। एक शक्ल ये है कि किसी इंसान का वो हक है और हमने उसे चोरी कर लिया। कोई भी सामान आप ले लें, जेवर ले लें, गए और चोरी कर रहा है, तो इस वक्त वो किसके पास है? वो हमारे पास है। तो क्या उसमें से हम ज़कात निकालेंगे? नहीं। क्यों? उसके हम मालिक ही नहीं। मिल्कियत तामा हमें हासिल नहीं है क्योंकि इस माल के साथ किसी और का हक जुड़ा हुआ है। हुक्म क्या है? कि ऐसे माल को
जिसे गसब किया गया है, जिसे चोरी किया गया है, जिसे रिश्वत के तौर पर लिया गया है, जिसे सूद के तौर पर ले लिया गया है, जुल्मन, हक किसी और का है और वो जुल्मन किसी और के पास वो चला गया, तो जिसके पास भी गया हुआ है वो ज़कात देने के बजाय उस माल का जो मालिक है उसको लौटा दे, उसमें ज़कात नहीं है। क्या है उस माल के अंदर, इस हराम माल के अंदर? इस हराम माल के अंदर ये है कि आप उस माल को उठाएं और जिसका वो हक है उसे दे दें, आपको ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका मालिक है उसे तलाश करें, उसे दे दें। लेकिन अगर उस आदमी का इंतकाल हो गया हो, बाद में इनको सूझबूझ आए कि भाई वो आदमी तो मर गया, बाद में हमें समझ में आया, कोई बात नहीं, आप उनके वर्षा को दे दें, उनके वर्षा को दे दें, उनके हवाले कर दें। और अगर पता ही न चले कि वो आदमी किधर गया, वो आदमी मुंबई आया था कमाई के लिए, लॉकडाउन में वो वापस चला गया, कहाँ से आया था कहाँ गया नहीं मालूम, क्या करेंगे उसके माल को? उन्हें होश आया कि ये तो सब गलत हुआ, अब हमें उससे जान छुड़ानी चाहिए। तो अब करना ये है कि ये जो पूरा सेटअप है आपके पास हराम माल का, आप उसे गरीबों पे खर्च कर दें टोटल, उस पूरे माल को, चूंकि वो आपका है नहीं, वो जिसका है आपको मालूम ही नहीं है, तो आप उस माल को गरीबों पर मुकम्मल तौर पर खर्च कर दें, उसमें से कुछ भी ना लें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। एक बात यह है, ये हराम माल की एक शक्ल है जिसके अंदर ज़कात नहीं है। क्यों नहीं ज़कात है? क्योंकि वो उस पर मिल्कियत उसे पूरे तौर पर हासिल नहीं है, क्योंकि किसी और का हक उससे जुड़ा हुआ है, किसी और का हक जुड़ा हुआ है। लेकिन चेंज हो जाए, किसी और का हक उस, किसी और का हक उसमें न जुड़ा हो, आपका अकेले का हक हो रहा हो, लेकिन वो माल हराम हुआ, जैसे झूठ बोल दिया आप, सूद, सूद वाला माल तो हराम जाएगा, आपको वापस करनी होगी अगर सूद लिया है आपने, या आपसे किसी ने लिया है तो उसके ताल्लुक से तो गुफ्तगू हो गई। लेकिन अगर हुरमत की जो वजह है वो ये नहीं कि किसी और का हक आपने ले लिया है, आपने अपना ही हक लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक आपने मारा है, बंदे का हक तो नहीं मारा आपने, किसका हक मारा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक मारा है। यहाँ गुनाह और हुरमत की नौइयत चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई इंसान झूठ बोला, झूठ बोल करके और फिर माल कमाया, भाई मैंने इतने में ख़रीदा है, झूठ बोल रहा है वो, पर सामने वाला अपनी रजा और रगबत से उस सामान को ख़रीद रहा है, बेच रहा है, तो झूठ बोलने की वजह से हुरमत की जो शक्ल उसके इस माल पर आ रहा है, क्या उसमें ज़कात देनी होगी कि नहीं? झूठ बोला ना, माल को बेचने के लिए झूठ बोला। अब वो शख्स जो झूठ बोल रहा है, चोरी किया तो इसमें बंदे का हक उसने मार लिया, तो हक उसे वापस करना होगा, लेकिन झूठ बोला यानी उसका हक मारा नहीं है, उसका हक उस शख्स ने मारा नहीं, वो सिर्फ इस इरादे से कि किसी तरीके से सामने वाला ख़रीद ले, झूठ बोल दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा और नफ़ा हासिल हो, सामने वाला मुकम्मल रजामंदी और अपने चाहत के साथ में उसको ख़रीदता है और वह तमाम हो जाती है। तो ऐसे में दोनों में से हर एक को जो चीज़ हासिल होती है उस पर उसकी मुकम्मल मिल्कियत है, इसे पैसा मिल रहा है तो उस पैसे पर मुकम्मल मिल्कियत है, उसे सामान मिल रहा है तो उसे सामान की पूरी मुकम्मल मिल्कियत हासिल हो रही है। लेकिन गुनाह तो आया बीच में,
अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक मारने की वजह से, और हराम की कोई ना कोई शक्ल इसके अंदर दाखिल हुई है। तो आया इस तरह के माल के अंदर ज़कात देनी है कि नहीं, ज़ाब्ता को सामने रखें, फिर हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मिल्कियत तो यहाँ मुकम्मल है, गुनहगार तो होगा झूठ बोलने की वजह से, लेकिन माल पर तो उसकी मुकम्मल मिल्कियत है, किसी और का हक उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में उस माल के अंदर उसे ज़कात निकालनी होगी। तो ये हुरमत की दो शक्लें हैं। अगर हुरमत का ताल्लुक बंदे के हक़ से है तो उसमें ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकम्मल वो मालिक नहीं है उस माल का, मिल्कियत किसी और की उसके साथ जुड़ी हुई है। उस शख्स को चाहिए कि ज़कात निकालने के बजाय उस माल के मालिक को तलाश करे और उसके हवाले करे। और ये दूसरी शक्ल, इसके अंदर उसे ज़कात निकालनी होगी। अगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक उससे जुड़ा हुआ है तो तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और इस तरह के गुनाह के कामों से अपने आप को बचा करके माल को हलाल और साफ़ सुथरी बनाए, पाकीज़ा बनाए, ताकि करीम की बारगाह में कबूल हो सके। इस तरीके से माल हमारे पास है, आपके पास है, लेकिन ये कर्ज का माल है। हमारे पास या आपके पास है, हाँ, ये चौथी शक्ल जो यानी जिसमें ज़कात के मसले में मिल्कियत मुकम्मल है कि नहीं है, कि इंसान के पास ज़कात, इंसान के पास कर्ज का माल है, यानी किसी से आपने कर्ज़ हसन लिया, कर्ज़ हसन आपने किसी से लिया, तो ये कर्ज़ हसन जो इंसान के पास है और वो शख्स जिसने आपको कर्ज़ दिया दोनों का उस माल के ताल्लुक से, मिल्कियत के हवाले से क्या ताल्लुक है? कर्ज़ देने वाले शख्स की जो निस्बत है कि वो मालिक था, पर उस शख्स ने कर्ज़ के तौर पर, कर्ज़ हसन के तौर पर जब अपना ये माल फलां को दे दिया तो उसने उसका मालिक किसको बना दिया? जिसको कर्ज़ हसन दिया उसको मालिक बना दिया, लेकिन साथ ही साथ वो वापस भी चाहता है उसको कि भाई इतने अरसे के बाद, इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद आप उसे वापस कर दें। गोया कि ना कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ है। अब वहाँ कोई यानी मुतय्यन कोई चीज़ नहीं है जिसके हवाले से आप कह रहे हैं कि फला माल ही के अंदर इसका हक जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके माल में उमूमी तो इसका हक जा करके जुड़ रहा है कि फला शख्स का हक है इस माल के अंदर, फला शख्स का जिसने कर्ज़ दिया है उसका हक, कर्ज़ जिस शख्स ने लिया है उसके माल में कहीं ना कहीं है जितना उसने रकम दिया हुआ है, यानी वो पूरे तौर पर मुकम्मल मालिक नहीं है अपने सारे माल का, कुछ का मालिक है और कुछ का मालिक नहीं है। अब इसको समझने के लिए, किसी के ज़िम्मे में कर्ज़ हो तो कब उसे ज़कात देनी है और कब ज़कात नहीं देनी है कर्ज़ के माल में, इसको तीन हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा सकता है कर्ज़ के माल को, यानी कर्ज़ देने वाले के माल, कर्ज़ लेने वाला नहीं, कर्ज़ देने वाला शख्स, क्योंकि वही मालिक है कर्ज़ का, तो उसे तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कर्ज़ के तौर पर जो चीज़ उसने किसी को दिया है वो सामान, वो ऐसा सामान है कि जिस सामान में ज़कात है ही नहीं, बतौर कर्ज़ के जो चीज़ उसने दिया है सामने वाले को, ये उन सामानों में से, उन चीज़ों में से है कि जिसमें
ज़कात सिरे से है ही नहीं, जैसे चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, या इससे मुतालिक और भी बहुत सारी इस्तेमाल वाली चीज़ें दे दिया, तो क्या गेहूँ चावल वगैरह में ज़कात नहीं है? कटाई के वक्त ज़कात है, 4.5 कुंतल चाहे चावल हो, गेहूँ, जो भी ज़मीन से निकलने वाला हो, तो उसके अंदर ज़कात है। आप वहाँ से लेकर के आए अपने घर के अंदर, उसको आपने रख लिया, अगर उसके ऊपर साल गुजर रहा है और 7.5 कुंटल से ज़्यादा आपके पास गेहूँ चावल मौजूद है, तो क्या अगले साल उसकी ज़कात निकालेंगे? नहीं, नहीं। उसकी ज़कात एक मरतबा निकालनी है, और वो कटाई के वक्त, उसके बाद उसके अंदर ज़कात नहीं है, चाहे जितना आपके पास वो मौजूद हो। तो इससे मालूम हुआ कि वो चीज़ है जिसके अंदर ज़कात नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ें, मिसाल के 40-50 किलो आपने किसी को गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, या इसी तरह का और कोई सामान दे दिया, तो क्या करेंगे? उसमें उसमें ज़कात निकालेंगे? ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा सामान उसने दिया है कि जिस सामान के, जिस सामान, जिस मुतय्यन सामान के अंदर ज़कात नहीं है, जैसा कि अभी मिसाल में मैंने पेश किया। नंबर दो, अगर कर्ज का ताल्लुक ऐसे सामान से है कि जिसमें ज़कात है, जिसके अंदर, जिसके ऐन में ज़कात है, यानी वो सामान है तो ज़कात है, वो सामान नहीं है तो ज़कात नहीं है, जैसे सोना और चांदी, सोना चांदी है तो ज़कात है, जिस शक्ल में भी हो, जिस नौइयत की भी हो, यहाँ कोई ख़ास ज़र्फ, कोई ख़ास वक्त इसके लिए मुतय्यन नहीं किया गया, उसमें ज़कात है, हर हाल में उसमें ज़कात है। लेकिन यानी वो सामान है जिसके अंदर ज़कात है, तो अब देखना यह है कि जिस शख्स को हमने दिया है वो इंसान कैसा है, तंगदस्त है या खुशहाल है। दो किस्म के लोग समाज के अंदर पाए जाते हैं, और दोनों में से हर एक को ज़रूरत पड़ती है, और कर्ज का मामला होता है हर समाज के अंदर, जो खुशहाल हो वो भी और जो तंगदस्त हो वो भी, दोनों के यहाँ ये चीज़ जारी है। तो अगर ये शख्स जिसने कर्ज लिया है, अगर वो तंगदस्त है, अगर वो शख्स तंगदस्त है, तो हुक्म ये है कि उसे मोहलत दी जाए। वो इनकान दो उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा, वो इनकान दो उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा, कि अगर कोई तंगदस्त हो तो उसे मोहलत दी जाए आसानी के वक्त तक के लिए, जब तक कि आसानी का वक्त मैसर ना आए तब तक के लिए मालदार शख्स को हुक्म दिया गया कि आप तब तक के लिए उसे मोहलत दें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पाबंदी है, जो रियायत करने की तरफ की फजीलतें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई हैं। तो ऐसे शख्स के उस कर्ज़ वाले माल में ज़कात नहीं है, ऐसे शख्स के कर्ज़ के उस माल में ज़कात नहीं है, क्योंकि उसकी मिल्कियत उस माल के तई पूरी नहीं है, मिल्कियत यानी तसरुफ़ नहीं कर सकता उसमें, उस माल का मालिक तो है ये, पर तसरुफ़ करने का इख्तियार अभी उसके पास नहीं है। और मिल्कियत तामा तभी हासिल होगी जब वो उसके हाथ के नीचे हो, तसरुफ़ करने का पूरा इख्तियार हो, और यहाँ वो शक्ल नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है कि वो शख्स उस माल में ज़कात नहीं निकालेगा, जब तक कि वो मामला उसके हाथ के नीचे ना आ जाए। और तंगदस्त
शख्स के यहाँ अगर सूरत हाल कभी ऐसी आ जाए और वो शख्स वापस कर दे कर्ज का ये माल, तो ये शख्स 1 साल की ज़कात निकाल देगा। यानी माल हमारा, कर्ज हसन हमारा जिस शख्स के पास था, तंगदस्त था, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मिलेगा तो कब मिलेगा और क्या पोजीशन बनेगी, फिर होता क्या है कि वो सूरत हाल उसकी ऐसी बन जाती है कि वो कर्ज को वापस कर देता है। तो अगर वो कर्ज़ को वापस करे और उस पर कई साल बीत चुके हों कर्ज़ लिए हुए और बाद में उसे वापस कर रहा है, तो 1 साल की वो ज़कात निकाल देगा। जब वो उसके मिले 1 साल की ज़कात निकालेगा, 1 साल की ज़कात, और उसके बाद से फिर वो माल उसके पास रहेगा और साल गुजरने के साथ साथ वो हर साल ज़कात निकालता रहेगा। 1 साल की ज़कात वो निकालेगा, पिछले सारे सालों की ज़कात के बजाय 1 साल की ज़कात। क्यों? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि इंसान को ज़मीन से गल्ला पैदा होने के बाद जब वो काटता है तो उसकी ज़कात निकाल देता है। इसकी मिसाल उस शख्स जैसी है कि जो ज़मीन से पैदा होने वाले गल्ले को काटने के बाद 1 साल की ज़कात निकालता है, गोया कि इसे जो चीज़ अभी हासिल हुई है ये ज़मीन से निकलने वाले गल्ले जैसी है या दरख्त पे आने वाले फल जैसी है कि काटने के बाद 1 साल की ज़कात निकाल दी जाए। नहीं मालूम कि गल्ला उसमें होगा भी कि नहीं होगा, नहीं मालूम कि उस दरख्त में फल आएगा भी कि नहीं आएगा, आ गया नहीं मालूम ये आगे तक बाकी रहेगा और हमारे हाथ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी मिसाल गल्ले जैसी है या फल जैसी है कि वो दरख्त पर फल भी आया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और गल्ला पैदा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और पैदा होने के साथ आखिर तक वो कायम भी रह सकता है महफूज, और ज़ाया और बर्बाद भी हो सकता है, उसके हाथ कुछ ना आए। तो ये तंगदस्त के हवाले से अगर कोई मिसाल पेश की जा सकती है तो गल्ले और फल की मिसाल पेश की जा सकती है कि जैसे तंगदस्त की ज़िंदगी में नहीं मालूम कि आसानी के लम्हात और औकात आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, वो ऐसे ही तंगदस्ती के अय्याम गुजारता रहेगा या खुशहाली के भी कुछ अय्याम आ सकते हैं जैसे कि फल का मामला था और गल्ले का मामला था। तो वहाँ जैसे 1 साल की ज़कात निकालने का हुक्म दिया गया, यहाँ भी 1 साल की वो ज़कात निकाल कर उस पर इक्तफा करेगा। ये तंगदस्त शख्स की कर्ज़ का मामला है। अगर आपके माल का ये कर्ज़ उस शख्स के पास है जो तंगदस्त नहीं खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल का मतलब ये है कि उसके पास इम्कान है कि आपके कर्ज की रकम जब चाहे तब आपको लौटा दे, ये जो मुद्दत आपके और उसके दरमियान मुतय्यन है उसमें वो आसानी के साथ लौटा सके। वो ऐसे है जैसे कि वो आपके हाथ में चेक हो, जब चाहे आप भुना लें, जब चाहे आप उसे भुना लें। तो जब तक जब तक कर्ज की ये रकम ऐसे खुशहाल शख्स के हाथ में मौजूद है, वो ऐसे है जैसे कि वो हमारे हाथ में हो और हम उस पर तसर्रुफ के पूरे इख्तियार में हों, हमें फिर हर साल उसकी ज़कात निकालनी होगी। ये है पहली शर्त माल के ताल्लुक से, अल मिल्कु ताम लिल माल, माल का मुकम्मल मालिक होना, माल का मुकम्मल मालिक होना। ये जो शक्लें हैं, चारों शक्लें ज़िक्र की गई हैं,
इन चारों शक्लों में मिल्कियत मुकम्मल नहीं है, किसी और का हक उसके साथ जुड़ा हुआ है और मुकम्मल तौर पर तसर्रुफ के लिए वो मुख्तार नहीं है। इस बुनियाद पर इन शक्लों के अंदर ज़कात नहीं है उस माल में।